सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की फिल्म मिशन मंगल के चार दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस फिल्म का चार दिनों का इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के फैंस के लिए ये साल भी काफ़ी शानदार रहा है, क्योंकि दोस्तों इस साल अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी केसरी, जिसने कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 155 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। और दोस्तों, अब उनकी दूसरी फिल्म मिशन मंगल भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चरण शक्ति के डायरेक्शन में बनी मिशन मंगल में आपको सुपरस्टार अक्षय कुमार सर के साथ विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, शर्मन जोशी और कीर्ति कुल्हारी नजर आई है। वही दोस्तों, ये फिल्म इंडिया के मिशन मार्स के ऊपर बनाई गई है, जो कि एक काफ़ी अच्छी स्टोरी है। बता दें चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को खुद अक्षय कुमार सर ने ही प्रोड्यूस किया है, इसी कारण से इस फिल्म का जो बजट है वो भी लगभग 32 करोड़ रुपये का ही है। अब अगर बात कर ली जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 3100 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म का क्लैश हुआ था सुपरस्टार जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस से। हालांकि दोस्तों, पहले दिन इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार ओपनिंग मिली है, क्योंकि दोस्तों इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन एक ही दिन होने के कारण इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ही लगभग 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। वहीं अपने पहले दिन दोस्तों इस फिल्म ने कमाए थे लगभग 30 करोड़ रुपए। बात कर ली जाए दोस्तों इस फिल्म के सेकेंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिले हुए काफी शानदार रिव्यूज और क्रिटिक्स की तरफ से मिली हुई काफी शानदार रेटिंग्स के बाद इस फिल्म ने अपने सेकेंड डे में भी बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार होल्ड किया और कमाए लगभग 17 करोड़ 28 लाख रुपए। वहीं अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो बता दे चले दोस्तों आपको कि यहाँ पर फैमिली ऑडियंस अक्षय कुमार सर की इस फिल्म को काफी पसंद कर रही है। वहीं दोस्तों अक्षय कुमार सर की और विद्या बालन मैम की काफी तारीफें हो रही है, इसी कारण से दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस ने काफी पसंद किया है। और दोस्तों इस फिल्म ने अपने तीसरे दिन एक बार फिर से 25% की ग्रोथ दिखाई है और कमाए है लगभग 25 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो तीन दिनों का टोटल कलेक्शन था वो हो चुका था लगभग 70 करोड़ रुपए का, और मात्र 32 करोड़ के बजट की बनी ये फिल्म तो अपने तीन ही दिनों में बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी थी सुपरहिट। अब बात कर ली जाए दोस्तों इस फिल्म के फोर्थ डे यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो बताते चले दोस्तों आज भी इस फिल्म ने एडवांस से ही लगभग 9 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। इसी कारण से दोस्तों ये फिल्म आज भी बॉक्स ऑफिस पर 65% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है। वही दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग में इस फिल्म की जो शो है वो 95% की ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहे हैं। तो दोस्तों आज भी ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 30 से 31 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, और इसी के साथ ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी होगी और सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की पहली फिल्म होगी जो कि सिर्फ अपने चार दिनों के वीकेंड में ही 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर ले। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में भी काफी अच्छी कमाई की है, और ओवरसीज से इस फिल्म ने अपने तीन दिनों में कमाए थे 25 करोड़ रुपए। फोर्थ डे में दोस्तों इस फिल्म ने ओवरसीज से कमाए हैं लगभग 9 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का टोटल ओवरसीज कलेक्शन हो चुका है 36 करोड़ रुपए का। ऑल इंडिया ग्रॉस पर दोस्तों ये फिल्म कमा चुकी है 120 करोड़ रुपए। इस तरह से इस फिल्म का जो चार दिनों का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन है वो हो चुका होगा 156 करोड़ रुपए का। दोस्तों इस तरह से ये फिल्म सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की लगातार 10वीं सक्सेसफुल फिल्म होगी। और दोस्तों अब इनकी एक और फिल्म आने वाली है हाउसफुल 4। अगर दोस्तों वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हो जाती है तो ये सुपरस्टार सलमान खान के फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और इंडिया के पहले ऐसे सुपरस्टार बन जाएंगे जिनकी की लगातार 11 फिल्में सुपरहिट हो चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से कमाई कर रही है उसके हिसाब से 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएगी या नहीं, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।